नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की। दरअसल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का वो उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें आपको कि वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज वो 1,00,000 छात्र को एक साथ एक समय पर भोजन करने की व्यवस्था जो है वो करते नजर आएंगे। तो करोड़ों की परियोजनाओं की भी सौगात जो है वो आज काशीवासियों को मिलने वाली है। वाराणसी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक दिवसीय उनका ये दौरा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अक्षय पात्र मिड डे मील पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो वाराणसी दौरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, फिलहाल अक्षय पात्र मिड डे मील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे ये मुमकिन हो पाएगा कि 1,00,000 छात्र जो है वो एक साथ भोजन इस व्यवस्था के माध्यम से कर सकेंगे। तो विचार विमर्श किया था, इसी विचार विमर्श को अगले चरण की रूप देने में हम सब अखिल भारतीय शिक्षा समागम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस 3 दिनों में आप सभी को कुछ विषय पे गहन विचार विमर्श करने के लिए अनुरोध करता हूं। क्या हम अपने समय की जरूरत के अनुसार अपने छात्रों के सही मायने में ज्ञान और कौशल दे रहे हैं? क्या हमारी पाठ्यक्रम हमारी युवाओं की आकांक्षा को अनुरूप है? क्या हमें अपनी कैरिकुलम कोर्स और उच्च शिक्षा कौशल तथा अनुसंधान के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है? एनईपी 2020 हमें यथास्थिति और कठोरता को तोड़ना तथा प्रगतिशील मानसिकता को तथा साथ अपने राष्ट्र के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। हमारी देश में 15 से 25 आयु वर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, यानी लगभग 25 करोड़ आबादी है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, हमारे पास 25 साल ही रहेगा, जिसे हमें अमृत काल भी कहते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हम सब युवा की ऊर्जा क्षमता और पूरी तरह से उपयोग कैसे करें और ज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, यही एनईपी 2020 की दिशा दर्शन है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान ने केवल विद्यार्थी और शिक्षकों के जीवन की बेहतरी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र में सभी जीवन के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है। हमारी राष्ट्र की ज्ञान परंपरा की जड़ें कई सदियों गहरी है और एनईपी इसी भारतीय ज्ञान परंपरा की आधार पर मजबूत नींव स्थापित करके देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की स्वर्णिम आकार देना चाहती है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है और एक ज्ञान समाज के रूप में उभरती अर्थव्यवस्था को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में कैप्टन बनना स्वाभाविक है। देश युवाओं को केवल जॉब सीकर के रूप में संतुष्ट देखने की बजाय भविष्य में जॉब क्रिएटर्स के रूप में देखना चाहती है। बंधी बंधाई अथवा स्थापित सीमाओं में आगे बढ़ना, पुशिंग द बाउंड्रीज, असंभव का सपना देखना, ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल, और फिर उसे पूरा करना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। देश की सकारात्मक सोच साथ व्यापक परिवर्तन की यह चाह रख। तो वाराणसी से यह अहम खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बता दें आपको कि कुछ ही देर में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का वो उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ चलिए मदन मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन मोहन, अब आगे का और क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? हाँ जी बिल्कुल नीता, ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अक्षय पात्र जो है किचन में पहुंचे और आकर के उन्होंने तो किचन का जो है ना लोकार्पण किया। लोकार्पण करने के बाद जो है यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीधे रुद्राज कन्वेंशन सेंटर यहाँ पहुंचे हैं और रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में जो है शिक्षाविदों के साथ जो है वो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो इस समय मैं अक्षय पात्र किचन में मौजूद हूँ जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे थे और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन बच्चों से जो बच्चे अभी भोजन कर रहे हैं इन बच्चों के साथ जो है प्रधानमंत्री ने जो संवाद करने के साथ जो है इनके संग में जो है ना बैठकर प्रधानमंत्री ने जब भोजन भी किया और रोटी या दाल जो बच्चे हैं उनसे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने कुछ ने जो है कहा जाए तो शिव तांडव के की कथा सुनाई, किसी ने जो है ना ढोल वगैरह मतलब जिसके में जो
पीएम को जो है उन्होंने दिखाया, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने इन बच्चों को जो है ना पीठ भी ठोका, पीठ ठोकने के बाद जो है बच्चे जो है ना बात की। तो यहाँ पे जो बच्चा आप देख रहे हैं ये जो भोजन कर रहा है, बेटा क्या कहा है आपका नाम? सर ध्रुव तिवारी। जितने प्रधानमंत्री और शिव तांडव जो सुना आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो जो प्रांगण है जहां पे पीएम आए थे और बच्चों के साथ जो है बैठे और बच्चों के साथ बैठकर उन्होंने संवाद किया। मदन मोहन, हम चाहेंगे कि आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बच्चे वहां मौजूद हैं, एक बार जरा उनसे बात कीजिए और जरा हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों के बीच पहुंचे और इन बच्चों से बातचीत की, उन्होंने साथ खाना खाया, साथ भोजन किया, तो देश के प्रधानमंत्री के साथ भोजन करके इन बच्चों को कैसा अनुभव रहा? बेटा आप प्रधानमंत्री से मुलाकात की? जी सर। भोजन किया आपने साथ में? हाँ। क्या पीएम ने क्या कहा? सर ने बोला कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अब अगली बार मिलते हैं। अच्छा, अगले बार मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब कहा कि पीएम उनसे मुलाकात की, और कुछ ने जो है कहा जाए तो कलाकृति जो बनाई थी पीएम का जो है उन्होंने चित्र बनाया था वो उन्होंने पीएम को दिखाया। उसके बाद कई ने वाद्य यंत्र का जो है यहाँ पर कहा जाए तो वाद्य यंत्र बजा करके पीएम को दिखाया, किसी ने जो है ना सिर्फ तांडव करके दिखाया, किसी ने हनुमान चालीसा गाया, और तमाम ऐसे बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। लगभग 20 बच्चों से पीएम यहाँ पे मुलाकात किए और उनसे जो है उनके पढ़ाई के बारे में पूछा। उसके बाद उनको ये पूछा कि मध्यान्ह भोजन की तरफ जो है भोजन जो मिलता है क्या वो भोजन आप लोग तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, समय से भोजन पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, वो भोजन कैसा रहता है, इन तमाम चीजों के लेकर के पीएम ने जो है उनसे बात की। ठीक है मदन मोहन, आप जी आप बने रहिए हमारे साथ। आइए आप सीधा आपको उसी प्रोग्राम में लिए चलते हैं वाराणसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। हृदय से स्वागत करता हूं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक रही है। यह विद्या की नगरी है और हम सब आभारी हैं कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही नए भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत रख रहा था देश के अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा था। और आज ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के जिससे देश भर के सभी शिक्षाविद इसे लागू करने और इसकी भावी योजनाओं पर व्यापक मंथन करने के लिए काशी की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। काशी और भारत की परंपरा वैसे भी विद्या से जुड़ी हुई रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के उस वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यह उद्घोष करती है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान को सभी दिशाओं से आने के लिए हमें द्वार खुले रखने चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश की आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वह ज्ञान के सभी दिशाओं से आने के द्वार खोले हैं। मैं इसके लिए देश भर के आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आभार इस बात के लिए भी कि देश भर के शिक्षाविद प्राचीन विद्या की इस नगरी में और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस काशी में, जहां पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में 1916 में इस काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वहां पर आज शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिलकर के इस शिक्षा महासमागम के आयोजन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्यापक मंथन के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। निश्चित ही मंथन की इस परंपरा से कोई अमृत जरूर निकलेगा और वह द्वार पहले ही वह रास्ता पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको प्रस्तुत कर चुकी है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में इस शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातक स्तर पर लागू कर चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सभी 30 जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं और प्रदेश के सभी 35 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में भी इसे लागू करने के साथ ही तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यह व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है और जब देश भर के आप सभी शिक्षाविद यहां पर उपस्थित हुए हैं, मेरा अनुरोध होगा कुछ चीजों को लेकर के अक्सर हम लोग देखते हैं। एक, हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को, शिक्षा के केंद्रों को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप नवाचार और शोध के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, शासन की योजनाओं से अपने आप को वैराग्य भाव रखने की बजाय उन शासन की योजनाओं के साथ जुड़ते हुए छात्र छात्राओं को उन योजनाओं के साथ अगर हम तो आप योगी आदित्यनाथ को अभी तक सुन रहे थे। उन्होंने किस तरीके से पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में। मदन मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मदन मोहन, अगर हम बात करें तो 4 बजे का वक्त जो है कहा जा रहा है कि शायद कुछ खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पीएम का भी कोई संबोधन का कोई कार्यक्रम, कहीं से कुछ बातचीत? जी नीरा, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि शंभूनंद स्टेडियम में जो है लगभग 2000 जो है खेलो इंडिया खेलों के तहत जो है नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य स्तरीय खिलाड़ी जो है वहां पे मौजूद है। लगभग 2000 खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। उसके बाद जो है 120 खिलाड़ी से जो है पीएम जो है संवाद करेंगे और खेलो इंडिया खेलों के तहत जो है ना उससे मतलब जानेंगे। तो इस तरह से कहा जाए तो 4 बजे के आसपास लगभग जो है प्रधानमंत्री शंभूनंद स्टेडियम पहुंचेंगे और वहीं से जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद जो कहा जाए तो 1774 करोड़ यूके की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करेंगे। तो ऐसे में कहा जाए कि प्रधानमंत्री का जो है आगमन अगर कहा जाए तो 4 महीने के बाद आगमन हो रहा है। और योगी 2 का जो कार्यकाल था यानी कि 100 दिन पूरे होने के बाद जो है प्रधानमंत्री जो है आज पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं और वाराणसी में लगभग कहा जाए तो 1774 करोड़ की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रधानमंत्री जो है काशी की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। तो ऐसे में कहा जाए तो काशी की जनता को मिलने जा रही है, ऐसे में काशीवासी जो है वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं काशी की जनता को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब जो है पीएम का जो है कार्यक्रम होगा और अपने पीएम को देख सकेंगे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री कहा जाए तो अक्षय पात्र किचन से जब कहा जाए तो रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के लिए जब रवाना हुए तो तमाम सड़कों पर जो है लोग जो है गुलाब के फूल के पंखड़ियों से जगह जगह पर स्वागत किया गया। लोग जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कहीं पे डमरू जो है बजाए जा रहे थे तो कहीं शंखनाथ बजाए जा रहे थे और कहा जाए तो हर हर महादेव के नारे से, क्योंकि महादेव की नगरी है और महादेव के नारों से जो है पूरी काशी जो है एक तरह से गूंज उठी। तो प्रधानमंत्री भी जब भी आते हैं तो उनको एक उत्साह रहता है कि हम काशी की जनता के साथ नहीं, हम अपने परिवार के साथ जो है ना यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। और उनका यह कहना भी है क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि हम यहाँ के सांसद हैं, वो कहते हैं कि काशी की जनता जो है पूरी जनता जो है हमारा एक परिवार है और हम अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं। उन्होंने यहां तक ये कहा था कि जब भी मतलब हमें तो ये लगता है कि काश ऐसा उसमें हो कि हम हमेशा जो है काशी में ही रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है तब। लेकिन उनको बहुत बेसब्री से पीएम को भी इंतजार रहता है कि हम कब
काशी जाए, तो इस तरह से काशी की जनता को भी काफी उत्साह रहता है कि पीएम आएंगे और आकर के काशी की जनता का जो है एक तो सौगात तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जो है लोगों से मिलेंगे, जैसा कि आज बच्चों से प्रधानमंत्री मिले, पिछले बार जब आए थे तो स्वास्थ्य कर्मियों से मिले थे, सुरक्षा कर्मियों से मिले थे। तो जब भी पीएम आते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह का आयोजन होता है, तो ये पीएम के नेचर में है, तो ऐसे में काशी की जनता जो है काफी उत्साहित रहती है। जी नीता, ठीक है मदन मोहन, जिस तरीके से अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, और अब इस उद्घाटन के बाद 1,00,000 छात्र एक साथ एक ही समय पर भोजन कर सकेंगे, ये व्यवस्था वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी है। ऐसे में जो बच्चों के अभिभावक हैं उनका कोई रिएक्शन के इस व्यवस्था के बाद से, वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल नीता, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये अक्षय पात्र किचन का जो है कहा जाए तो शुभारंभ जो किया गया है, पीएम ने जो लोकार्पण किया है, इसमें एक साथ कहा जाए तो 1,00,000 बच्चों का जो है भोजन, मध्यान्ह का जो भोजन जो है बनेगा और जगह जगह जाकर के ये वितरित होगा। तो ऐसे में कहा जाए तो पहली बार चरण की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 बच्चों को जो है भोजन पहले तो बना करके दिया जाएगा, उसके बाद 6 महीने का जो टारगेट है उसमें 50,000 बच्चे और 1 साल में जो है 1,00,000 बच्चों तक जो है ये भोजन पहुंचेगा। तो ऐसे में मध्यान्हकालीन का भोजन जो है एक साथ जो है बनेगा और एक साथ जो है सभी जगह पर वितरित होगा। तो ऐसे में अभिभावक ने भी जो है काफी, क्योंकि जब भी पहले जब खाना जब बनता था और जब वो वितरित होता था, चाहे स्कूलों में जो खाना होता था उसका जो है कहा जाए तो मानक जो है वो या तो सही नहीं होता था या तो बच्चों को सही तरीके से नहीं मिल पाता था, लेकिन जहां पर अगर इस किचन में जब मध्यान्ह भोजन जब बनेगा तो एक साथ एक समान भोजन बनेगा और एक साथ जो है वितरित होता जाएगा, क्योंकि एक घंटे में जो है इसकी क्षमता जो है बताई गई है 1,00,000 रोटी बनाने की है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 1,00,000 जब रोटी जब बनेगा तो एक साथ जब सभी बच्चों को जब वो वितरित होगा तो उस पे जो है ना काफी बच्चे जो है ना कहा जाए तो शुद्ध और ताजा भोजन जो है उनको मिल सकेगा, क्योंकि वो समय से भोजन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है मदन मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से हम लोग रुक कर लेते हैं वाराणसी के प्रोग्राम का, जहां पर देखिए क्या कुछ हलचल हो रही है इस वक्त, कैसी क्या तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका उद्बोधन हर बार हमें एक नई अंतर्दृष्टि और दिशा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से एक बार पुनः उन्हें नमन। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, सरकार के अन्य मंत्रीगण, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी वाइस चांसलर्स, शिक्षा संस्थाओं के निदेशक, सभी शिक्षकगण, शिक्षाविद, देवी और सज्जनों, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का यह आयोजन उस पवित्र धरती पर हो रहा है जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहां उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है।
और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। मैं ईश्वर अवसर पर महामना मालवीय जी के चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं, मेरी काशी में आप पधारे हैं, तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूं। आप इन सब के साथ साथ मेरे भी मेहमान हैं। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थाओं में ज्यादा आपको असुविधा नहीं होगी, प्रबंध करने का सबने भरपूर प्रयास भी किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो वो दोष मेरा रहेगा। और एक होस्ट के नाते कोई भी आपको असुविधा हो जाए तो उसकी क्षमा मैं पहले से मांग लेता हूं। साथियों, मैं अभी एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं। यहां मध्याह्न भोजन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड किचन का काम था, लेकिन वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उम्र के बच्चों के साथ गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिला। और वहां से निकल करके यहां आया हूं। और मैं उनसे सुनकर के आया हूं और आपको सुनाने आया हूं। और मुझे कहना होगा, और मैं तो चाहूंगा जब मैं अगली बार आऊंगा तो जिस स्कूल के बच्चों से आज मुझे मिलना हुआ है, मैं उनके जो टीचर्स हैं उनको मिलना चाहूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा विचार मुझे क्यों आया होगा। मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ, 10-15 मिनट का ही वो अवसर था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की। जो टैलेंट वो बच्चे वहां प्रस्तुत कर रहे थे, आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती अगर ऐसी टैलेंट आपके सामने रखेगा तो जब भी मेहमान घर में आएंगे आप उसको खड़ा कर देंगे, जरा देखो मेहमान आए, वो तुम सुनाओ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी का ये सामर्थ्य, उनकी क्षमता, जब वो आप जहां हैं वहां पहुंचेंगे, पद पे नहीं, उस इंस्टीट्यूट में आप तो नहीं होंगे, आप ऐसी इंस्टीट्यूट बना के जाएंगे कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उनको वहां कमी नजर ना आए, ये काम सबसे बड़ा आपके जिम्मे है। और मुझे विश्वास है कि अगले 3 दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्श होगा
उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी दिशा मिलेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बनाकर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहां अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे, बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहां ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों